हेलो किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लहसुन भाव में। मैं डीसी पाटीदार। आइए देखते हैं आज लहसुन पे एक विश्लेषण रिपोर्ट कि लहसुन किस प्रकार आने वाले समय में और भी लहसुन के भाव बढ़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, लहसुन के भाव अभी और तेज़ी आएगी। अभी सामान चल रहे हैं, लहसुन का जो बाजार है वो बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि लहसुन अब बहुत ही कम किसानों के पास बचा है। जो बचा है वो अधिकतर व्यापारियों के पास, या जो किसान लहसुन का स्टॉक किया था, खरीद कर ले गए थे और उन्होंने स्टॉक किया था, उन किसानों के पास लहसुन बचा है। और लहसुन की अभी बुआई तेज़ी से चल रही है, और जितनी भी बुआई हो जाएगी उसके बाद किसानों के पास जो लहसुन बचेगी वो बाज़ार में या मंडी में लेकर बिकवाली के लिए लेकर आ जाएंगी। उसके बाद समस्त लहसुन किसानों के पास समाप्त हो जाएगी, और नई लहसुन आने में भी काफ़ी समय लगेगा। नई लहसुन जनवरी या फरवरी माह से पहले नहीं आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में अभी बर्फबारी हो रही थी, तो उसके कारण वहाँ का लहसुन भी अभी नहीं आ पाएगा। असम और बर्मा के जो मार्ग से अवैध रूप से मेन वो लहसुन आ रहा था, चीनी लहसुन, उसको भी गवर्नमेंट ने अभी प्रतिबंध लगा दिया, उस पर ज़्यादा पकड़ कर दी, और कस्टम ड्यूटी जो थी वो नहीं चुका रहे थे, उसके कारण वहाँ पर भी लहसुन की आवक को बंद कर दिया, जो कि चोरी छिपे भारत में लहसुन लाया जा रहा था। तो आने वाले 20 नवंबर के बाद लहसुन में फिर से एक बार वही तेज़ी जो पहले लहसुन 20 से 25,000 के बीच बिक रहा था, वही भाव आने वाला है किसान भाइयों। तो लहसुन के भाव ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी लहसुन पर किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, तथा लहसुन के भाव में इतनी वृद्धि भी अभी नहीं हुई है। लहसुन के भाव लगभग 12 से 15,000 के बीच चल रहे हैं, जो कि एक मध्यम भाव हैं। तो आने वाले समय में लहसुन 25 से 27,000 हो जाती हैं, तो इस पर सरकार एक्शन लेगी और विदेश से आयात करने की सोचेगी। अभी भी किसी प्रकार का सरकार द्वारा किसी भी आयात या निर्यात पर विचार विमर्श नहीं किया गया, तथा लहसुन आयात नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही लहसुन का जो भाव है वो लगभग 25,000 के आसपास जब तक नहीं हो सकता, तब तक सरकार आयात करने की नहीं सोच सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन के भाव और भी बढ़ेंगे, और अभी लहसुन का धीरे धीरे मंडियों में आना भी कम आवकें हो गई हैं, साथ ही लहसुन की कमी हो गई है। 2 महीने तक अभी लहसुन नया नहीं आ सकता है, इसलिए लहसुन के भाव बढ़ने की भी संभावना है। तो आने वाले समय में लहसुन की बहुत ही कमी होने वाली है, इसके लिए नवंबर और दिसंबर महीना महत्वपूर्ण होगा। नवंबर का 20 नवंबर के बाद है या दिसंबर महीना है, लहसुन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। लहसुन अभी ख़राब भी हो चुका है, बहुत सारा लहसुन जो कि मार्केट में आ रहा है, लेकिन आधा से ज़्यादा लहसुन इसके अंदर बरसात के कारण ख़राब हो चुका है। अतः किसान भाइयों, 20 नवंबर के बाद लहसुन के भाव और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। ये हमारा एक विश्लेषण है, नहीं कि हम सटीक और सही बता सकते हैं, लेकिन एक आकलन के अनुसार 20 नवंबर के बाद लहसुन के भाव बढ़ने की संभावना है। जो पहले एक बार तेज़ी लहसुन में आई थी, उसी प्रकार की तेज़ी इस बार भी आने वाली है। अतः यह हमारा एक विश्लेषण था, जो कि विभिन्न मंडियों की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था, न कि कोई हम सटीक और सही बता सकते हैं, बाकी राम जी जाने। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।